हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं देवर और लेके आया हूं आपके लिए कमाल का वीडियो। अक्सर ये सवाल लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी चैनल जो है ग्रो नहीं कर रही है। तो गाइस, चैनल ग्रो करना एक पूरा ही सब्जेक्ट है, लेकिन उस सब्जेक्ट का आज मैं आपको पहला जो है चैप्टर समझाने वाला हूँ। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 5 सेटिंग्स जो आपको करनी ही चाहिए अपनी चैनल को, ताकि आपकी चैनल जो है रैंक कर सके और सर्च रिजल्ट में आ सके। तो गाइस, ये सारी जो 5 सेटिंग्स है मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन पे जो है मेरी प्रोफाइल दिख रही है, आप वहां से मुझे फॉलो कर लीजिए। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। अब गाइस, यहाँ पे सबसे पहला है चैनल टैग्स। गाइस, हम जैसे अपने वीडियोस पे टैग्स डालते हैं वीडियो को रैंक कराने के लिए, वीडियो को सर्च इंजन में ऊपर लाने के लिए, वैसे ही आपको अपने चैनल पे भी टैग्स डालने हैं, ताकि आपकी चैनल भी रैंक करे। तो चलिए दिखाता हूँ कि आपको कैसे जो है चैनल पे टैग्स डालने हैं, कहाँ से डालने हैं, ये सब दिखाता हूँ चलिए लैपटॉप में। तो गाइज, आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे मेरी चैनल जो है खुली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में जो मेरा लोगो है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा YouTube स्टूडियो पे, उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम डाल सकेंगे हमारे टैग्स को, जो है मैं पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो गाइज, अब यहाँ पे आ चुके हैं क्रिएटर स्टूडियो पे। तो आपको यहाँ से चलना है लेफ्ट साइड पे, जो ऑप्शंस दिए गए वहाँ पे सेटिंग बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग बटन पे क्लिक करते ही आपको सारे जो है ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब सेटिंग का जो है पॉपअप खुल चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल और दूसरा सेटिंग है चैनल, तो उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि सारे जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले मेरे चैनल का नाम है डीसी फॉर श्योर। उसके बाद आप देखिए कीवर्ड्स, यानी कि चैनल के कीवर्ड्स आप यहाँ पे अपने ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए ऐड करके रखा है डीसी फॉर श्योर, धवल चांदपरा, डीसी टेक, हाउ टू ट्यूटोरियल्स, एंड्रॉयड, लेटेस्ट एप, मेक मनी ऑनलाइन। ये सारे जो है मेरे चैनल के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स मैंने डाल के रखे हैं, ताकि मेरी चैनल जो है रैंक करे। आप अपने चैनल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है कीवर्ड्स डालना, ताकि आपकी चैनल भी सर्च इंजन पे रैंक कर सके। अगर आपको नहीं आपको देखना है लाइव, तो आप अपनी मोबाइल फ़ोन पे उठा के आप एक बार सर्च करना डीसी फॉर श्योर या धवल चांदपरा, तो मेरे वीडियोस सबसे पहले आएंगी। तो ऐसे ही आपको भी अपने यहाँ पे डालना है। यहाँ पे डालने के लिए क्या करना, देखिए यहाँ पे आपको लिख देना है कुछ भी, जैसे कि ये लिख दिया मयूर, उसके बाद में आपको एंटर मारना है, तो ये एक कीवर्ड बन जाएगा। या फिर आप यहाँ पे कॉमा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सिंपली सेव बटन पे क्लिक कर देना, ताकि आपकी जो है सारे टैग्स सेव हो जाएंगे। गाइज, स्टेप नंबर 2, अपलोड डिफॉल्ट। गाइज, इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने सारे ही वीडियो में जो भी चीज़ डिफॉल्ट में अपलोड होनी चाहिए, रखनी है आपको, तो उन सारी चीज़ को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ताकि वो सारी ही आपकी वीडियो में उतनी चीज़ आ जाएगी, आपको हर एक वीडियो में उसको डालना नहीं पड़ेगा। तो जो भी आपको अपना चैनल का नाम है, या फिर कोई भी चीज़ अपने बारे में हो सकती है, सब्सक्राइब या फिर फॉलो करें, ये सब चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए ये भी दिखा देता हूँ। अब गाइज, जो अपलोड डिफॉल्ट है वो एग्जैक्ट चैनल के नीचे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, उस पर क्लिक कर देते हैं। गाइज, इसमें यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपके पास 3-4 स्टेप दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल है पहला। तो गाइज, कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो अपने वीडियो में हर एक वीडियो में अपनी चैनल का नाम डालते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड डालते हैं जो हर एक वीडियो में रहता है, तो आप यहाँ से सिंपली उसको डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है वो। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आप देखेंगे कई सारे ऐसे क्रिएटर्स रहेंगे जो अपने हर एक वीडियो में एक जैसा डिस्क्रिप्शन नीचे डालते हैं, कि भाई फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लिंक दे रखते हैं, सब कुछ करके रखते हैं। मैं यहाँ पे आप दिखाता हूँ कि वर्ड्स पे मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अपनी जो सेव करके रखी है, कि ये डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और जो है आपको वहाँ पर डाल के दिखा देता हूँ। तो ये डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर डाल दिया, तो आप ये देख सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। तो ये हर एक वीडियो में मेरी अब से ये डिस्क्रिप्शन सेम होने वाला है। आप देखना, मेरी हर एक वीडियो में ये डिस्क्रिप्शन यहाँ से होता ही है। तो अपनी वीडियो में यहाँ से डाल दीजिए, ताकि आपको उतनी मेहनत कम हो जाएगी, हर एक वीडियो में आपको ये सब डालना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट ये सब वीडियो में आ जाएगा। अब उसके बाद में आप नीचे देखिए विजिबिलिटी, तो हर एक की अलग अलग रहती है। कोई अपनी प्राइवेट रखता है, कोई सीधा ही पब्लिक रखता है, तो आप यहाँ पे प्राइवेट या अनलिस्ट रखें, उसके बाद ही जो है आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करें। अब नीचे है टैग्स। देखिए गाइस, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है अपनी चैनल को रैंक कराना, कि आप अपनी चैनल के टैग्स तो डाल दिए, लेकिन आपके हर एक वीडियो में थोड़े से टैग्स जो है सिमिलर होने चाहिए। मैंने अगली वीडियो में बताया कि सिमिलर टैग मेथड का यूज़ करें, तो वैसे ही आपको यहाँ पर टैग्स जो है कुछ अपनी चैनल के डाल देने हैं, तो जो है यहाँ से आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे मैंने थोड़े टैग्स जो है लेके रखे हैं, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ
और जो है वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये टैक्स पे मैंने ये सब टैक्स पेस्ट कर दिया, आप देखिए डालते ही ये अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। तो इतने टैक्स डाल के रखे, यहाँ से सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि ये सारे टैक्स जो है आपके हर एक वीडियो में कॉमनली रह जाएंगे। तो ये आपके बार बार आपको ये सब डालना नहीं पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, अबाउट सेक्शन। गाइज अबाउट सेक्शन में अपने बारे में डिटेल्स जरूर से डालें ताकि लोगों को पता चले, देखने वाले को पता चले कि आप कौन है, कहाँ से है, किस चीज़ के बारे में वीडियोज डालते हैं। तो अबाउट सेक्शन में थोड़ा सा डिटेल्स दीजिएगा और साथ में अपनी ईमेल आईडी भी दीजिएगा। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे सब कुछ देना है। गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना अबाउट सेक्शन आपको दिखाता हूँ ताकि आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है। तो यहाँ पे अबाउट सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ तो आपकी आपको पता चलेगा। अब गाइज देख लीजिए यहाँ पे ये मेरा अबाउट सेक्शन जो है आ गया है। तो आप यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन पे मैंने क्या लिखा कि हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज धवल चांदपुरा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीसी फॉर श्योर पे। यहाँ पे अपनी चैनल को मेंशन करना, अपना नाम देना, आप कहाँ से, ये सब लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना कि आप किस चीज़ के बारे में वीडियोज बनाते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। उसके बाद में आप नीचे एग्जैक्टली अपनी जो है सोशल मीडिया की जो है लिंक्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक की डाल के रखी है, आप भी अपने हिसाब से डाल दीजिए। उसके नीचे मैंने रखा है कि फॉर स्पॉन्सरशिप और इंक्वायरी आप मुझे इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप भी डाल दीजिए। उसके बाद में नीचे एक सेपरेट दिया जाता है कि बिजनेस इंक्वायरी के लिए, ताकि आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी जरूर से डालें ताकि आपकी स्पॉन्सर जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, दूसरे क्रिएटर्स जो है आपके साथ कॉलैब करना चाहते हैं तो वो भी आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, तो अपनी ईमेल्स दे दीजिए। उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है लिंक्स मैंने दे रखी है सेपरेटली, आप वो भी लिंक्स दे सकते हैं। अब ये कैसे करना है, तो आपको जाना है सबसे पहले कस्टमाइज चैनल पे। तो गाइज आप देख सकते हैं हम आ गए कस्टमाइज सेक्शन पे, अबाउट सेक्शन में। आप देखिए यहाँ पे मैंने सब ये सब डाल के रखा है, तो आप यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से सब डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आपको डालनी है। यहाँ डाल के बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे दिया है बिजनेस इंक्वायरी, आप अपनी ईमेल को जो है यहाँ पे पेन बटन से आप एडिट कर सकते हैं, नया डाल सकते हैं। उसके बाद में अपनी लोकेशन ज़रूर से ऐड करके रखें ताकि पता चले स्पॉन्सर्स को और ऑडियंस को कि आप कहाँ से हैं, ठीक है। लोकेशन मैंने इंडिया डाल के रखी है। लिंक्स जो है मैंने दो प्रोवाइड करके रखा है, फेसबुक इंस्टाग्राम का। आप ऐसे ही अपनी लिंक्स को डाल के रखिए ताकि जो है आपको भी वहाँ से फॉलो मिल सके। स्टेप नंबर 4, चैनल को कस्टमाइज करिए। अब गाइज ये है सबसे मेन स्टेज। मैंने कई सारी ऐसी चैनल्स देखी है जहाँ पे कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं होता है, एक प्रॉपर कस्टमाइजेशन आपको करना चाहिए। तो गाइज ये स्टेप को आप जरूर से फॉलो करिए कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे जो है प्रॉपर कस्टमाइज अपने चैनल को करना है। अब गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना होम पेज आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया चले। ये गाइज आप देख रहे हैं मेरा चैनल का नाम है, यहाँ पे देखिए आप चैनल के जो टैग्स मैंने डाल के रखे यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये मेरा इंट्रो है अपनी चैनल का, तो आप यहाँ से अपना इंट्रो डाल सकते हैं। उसके बाद में आप नीचे देखिए पहला जो वर्टिकल सेक्शन है वो है अपलोड्स का। यहाँ पे सारे वर्टिकल्स में मेरे अपलोड्स वीडियो है, शो मोर पे आप जाके वीडियोस ज़्यादा देख सकते हैं। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो आता है पॉपुलर अपलोड्स का, मेरे सारे वीडियो जो पॉपुलर हुए वो यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद में नीचे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो है यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट, तो यहाँ से सारी मेरी जो प्लेलिस्ट है यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन सी मैंने प्लेलिस्ट डाल के रखी है। अब गाइज ऐसे सेटिंग करने के लिए आपको चलना है पहले कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप पहला होम सेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स और फॉर न्यू सब्सक्राइबर, आप दोनों के लिए ही अलग अलग जो है इंट्रो रख सकते हैं। नए सब्सक्राइबर जो आए हैं उनको पता क्या चलना चाहिए, और जो आपके सब्सक्राइबर है जो फिर से आपके चैनल पे आए उनके लिए कौन सा वीडियो, आप यहाँ से डाल सकते हैं। आप यहाँ पे पैन का बटन है, अपना वीडियो डाल सकते हैं, जो भी आपको अपना अच्छा वीडियो है चैनल का वो यहाँ पे डाल दीजिए। अब दूसरी यहाँ पे अपलोड का है, तो यहाँ पे आप देखिए पैन का ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन है, यहाँ से आप उसके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जो भी आपको ऊपर लाना है ऊपर लीजिए, नीचे ले जाना नीचे लीजिए। और पैन पे क्लिक करते ही आप यहाँ से जो है सब जो है अपलोड कर सकते हैं, नया कुछ आपको डालना है, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आप अपलोड्स डाल सकते हैं, पॉपुलर वीडियोस, लाइव नाउ, अपकमिंग लाइव स्ट्रीम जो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, सारा कुछ चीज़ आप यहाँ पे डाल के फिर उसको वर्टिकल लेना है या हॉरिजॉन्टल लेना है सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे डन कर दीजिए। अब यहाँ से ऐड सेक्शन पे क्लिक करके एक और ऐड करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ले लेने प्लेलिस्ट मेरे को डालना है, तो क्रिएटेड जो मैंने क्रिएट करके रखा है प्लेलिस्ट उसको चूज कर लिया, हॉरिजॉन्टल रखना है। तो आप देख सकते हैं प्रीव्यू आ चुका है सारे मेरे प्लेलिस्ट, तो यहाँ पे आपको डन कर देना है, तो सारे जो है आपकी प्लेलिस्ट रहेंगे वो सब आ जाएंगे।
माइक क्यू एन ए रह गए, यूट्यूब चैनल रह गए, सारे जो कोर्स है वो सब मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसी तरीके से आप जितना भी डालना है डाल के आप अपनी चैनल को एक प्रॉपर वे से कस्टमाइज कर सकते हैं। आपकी इंट्रो भी आपको यहाँ पे डाल देनी है। स्टेप नंबर 5, वीडियो में कार्ड्स कैसे डालें। तो गाइज अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये पता नहीं कि कार्ड्स क्या है, वहाँ से आप जो है डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं अपने दूसरे वीडियो में। तो आप यहाँ पे अपने वीडियो पे कार्ड्स जो है जरूर से डालें। और सबसे पहली बात कि आप है ना दूसरों के वीडियो पे पहले देखिए कि वो कार्ड्स बता रहा है कि यहाँ पे आई बटन पे मेरा वीडियो है, तो देखिए, तो एक बार ट्राई जरूर करें कि ये कैसे होता है, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। उसके बाद में जो है आप अपने वीडियो में कार्ड्स डालना स्टार्ट करें। तो चलिए वो भी दिखा देता हूँ। वीडियोस में कार्ड को डालने के लिए आपको जाना है अपने क्रिएटर स्टूडियो में। वहाँ से जाके आपको यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ गया वीडियो वाले सेक्शन में। दूसरा जो है यहाँ से कोई भी एक वीडियो पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद में यार बहुत सारे आपको एडिट करने के ऑप्शंस दिए जाएंगे। उसमें से एक ऑप्शन जो होता है आप देखिए यहाँ पे राइट साइड पे नीचे पे कार्ड्स लिखा रहेगा, ये वाला ऑप्शन, तो कार्ड्स पे आपको क्लिक कर देना है। कार्ड्स पे क्लिक करेंगे तो अलग ही टैब में ये आपका वीडियो खुल जाएगा, वहाँ से आपका वीडियो प्ले भी होगा। तो अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे भी आपको रोकना है रोक के आप जो है कार्ड डाल सकते हैं। ये आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा। गाइज वीडियो खुल चुका है, वीडियो चल रहा है, जहाँ तक चलना है चलने दो। आपको लगता है कि आपको भगाना है तो भगा के किसी भी मिनट पे आप रोक सकते हैं, और वहाँ जाके आपको कार्ड डालना है तो वहाँ तक ले लीजिए। उसके बाद में ऐड कार्ड पे क्लिक करिए, ठीक है। यहाँ पे ऐड कार्ड पे क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे वीडियो प्लेलिस्ट, चैनल, पोल और लिंक, ठीक है। ये सब चीज़ आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो वीडियो को डालने के लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ से कोई भी वीडियो को चूज करके आपको यहाँ से क्रिएट कार्ड कर देना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लिखा रहेगा मिलियन व्यूज़, ठीक है। ये कार्ड मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है जो थोड़ी देर में आने वाला है, तो यहाँ दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे 2 मिनट के बाद में आ जाएगा। तो अब देखिए ये कार्ड जो आ जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्ड आ गया। तो ऐसे ही कार्ड आपने वीडियो पर डाल सकते हैं। तो गाइज ये थे 5 ऐसे सेटिंग्स जो आपको अपनी चैनल पे करने ही चाहिए, आज ही इंप्लीमेंट कर दे ताकि ग्रो करने का जो पहला चैप्टर है वो आप कंप्लीट कर सकेंगे। तो गाइज कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैं वहां भी आपको अच्छे से सपोर्ट करता रहूंगा। और इस वीडियो को जो है अपने सारे क्रिएटर्स के साथ धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए अपने दोस्त के साथ, ताकि उनको भी पता चले ऐसी 5 सेटिंग्स जो उनको अपनी चैनल पे करनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।